बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। आज हम आपके सामने केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है लेकर हाजिर हैं। आज हम आपके सामने दो टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। और नंबर 2 पे जो हमने आपके साथ डिस्कस करना है वो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। नंबर 1 पे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली वो मास है जो हम किसी दूसरे से कंपेयर करके निकालते हैं। आम जिंदगी में आपने देखा होगा कि हमने किसी भी चीज की कुछ मेजरमेंट करनी हो, पैमाइश करनी हो, उसका वेट मालूम करना, उसका मास मालूम करना हो तो हम एक तराजू का इस्तेमाल करते हैं। एक साइड पे हम वो छत जो चीज है, क्वालिटी है, वो रख लेते हैं और दूसरी साइड पे हम उसकी मेजरमेंट के लिए हमने बाट वगैरह रखे होते हैं। तो हम इसका जो मास है क्वांटिटी का हम कंपेयर करके फाइंड करते हैं किसकी कितनी मिकदार है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 kg का है तो इस साइड पे अगर क्वांटिटी जो है ये दोनों पलड़े आपस में बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि इसका जो मास है वो 1 kg है। केमिस्ट्री में हम एटॉमिक मास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 के एटॉमिक मास से कंपेयर करके निकालते हैं। वो मास जो कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके निकाला जाता है उस कहते हैं ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास यूनिट जो है रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हमने कैसे लिखना है? केमिकल फार्मूला के लिए आपको जो एलिमेंट्स है उसका सिंबल्स का पता होना जरूरी है। अगर आपका कंपाउंड जो है जैसे कि वाटर है, अगर आपने लिखना है केमिकल फार्मूला क्या है, वाटर में 2 चीजें हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो +1 है, ऑक्सीजन की -2 है। तो इन दोनों की जो वैलेंसी है वो एक दूसरे के नीचे चले जाती हैं तो H2O ये वाटर का फार्मूला बन जाता है। अगर आपने सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, आपके पास सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम का सिंबल Na है, क्लोरीन का सिंबल Cl है। सोडियम पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। इनकी वैलेंसी एक दूसरे के नीचे चली जाती है तो ये इसका जो फार्मूला है वो NaCl बन जाता है। ये सिंपल सा तरीका है कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी सूरत बन जाती है कि उनकी जो आयन है वो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं तो उनको पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर उसकी जो वैलेंसी है वो दूसरे सेट पे जाके ब्रैकेट्स में लिख ली जाती है।